आज के इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि आप अपने राशन कार्ड को बिना राशन कार्ड नंबर के कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर ये जो क्रोम है आपको इस प्रकार से ओपन करना है और इसके बाद यहाँ पे गूगल के अंदर यहाँ पे लिखना है food.rite.nic.in और इसके बाद इसकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यदि आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे एडवांसेड का जो ऑप्शन मिलता है आपको उस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है, जिससे कि इसकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब यदि यहाँ पे एक दूसरा पेज ओपन हो जाता है तो यहाँ पे नीचे ये जो क्रॉस का आइकन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके आपको फर्स्ट पेज के अंदर आना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको राशन कार्ड का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको राशन कार्ड एवं राशन वितरण का विवरण देखने का जो ऑप्शन मिलता है आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यदि आप अपना जो राशन कार्ड है उसको ढूंढना चाहते हैं और ढूंढ के डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी जिला है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा जो जिला है वो सिरोही है, तो यहाँ पे मैं सिरोही को सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आपको साइड में क्षेत्र सेलेक्ट करना है। तो आप ग्रामीण है या शहरी है, तो यहाँ पे मैं शहर का रहने वाला हूँ तो यहाँ पे शहर सेलेक्ट करता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी जो नगर पालिका है उसको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मेरी जो नगर पालिका है वो सिरोही है, तो यहाँ पे मैं सिरोही सेलेक्ट करता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे जो पंचायत है वो कौन सी है, मतलब मेरा जो वार्ड नंबर है वो कितना है, तो यहाँ पे मेरा जो वार्ड नंबर है वो एक है, तो मैं यहाँ पे एक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप बिना राशन कार्ड नंबर के अपना जो राशन कार्ड है उसको ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो नाम का जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपका जो राशन कार्ड है उस पर क्या नाम था उस नाम को यहाँ पे सही से लगाना है। उस नाम में कुछ भी फर्क नहीं होना चाहिए, कुछ भी फर्क होता है चाहे सरनेम में फर्क हो चाहे नाम में फर्क हो तो यहाँ पे वो मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सही से नाम लगाना जरूरी है और इसके बाद नीचे यहाँ पे जो खोजे का जो ऑप्शन मिलता है आपको उस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके नाम से जो जो राशन कार्ड बने हुए हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। आपके नाम से कई सारे व्यक्ति हो सकते हैं। यदि आप अपना जो राशन कार्ड है उसको सही से ढूंढना चाहते तो यहाँ पे आपके जो पिताजी है उनका क्या नाम है उस नाम से आप यहाँ पे इसको कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो राशन कार्ड है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आपका जो पिताजी है और जो माताजी का नाम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो राशन कार्ड है वो इनमें से कौन सा है। अब इसके बाद यदि आपको मिल जाता है फिर यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते तो यहाँ पे आपको ये जो स्टार दिए हुए आपको उस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक के बाद यहाँ पे आपका जो राशन है वो यहाँ पे मिल जाता है, साथ में आपका जो राशन कार्ड नंबर है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप दे सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप अपने जो भी घर के सदस्य है उनको भी यहाँ पे देख सकते हैं और साथ में आप यदि इसका विवरण देखना चाहते हो तो यहाँ पे विवरण भी देख सकते हैं। तो यदि दोस्तों आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ये जो आपको एरो दिया हुआ है आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे जो शेयर का जो ऑप्शन मिलता है आपको उस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे प्रिंट का जो ऑप्शन मिलता है आपको उस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे PDF फाइल पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यदि आप इसको WhatsApp, Facebook या जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं वहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप इस PDF फाइल की प्रिंट निकालना चाहते तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।